खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई ईद की खुशियों का मौका है और ये कैसे हो सकता है कि ईद अपनों के साथ ना मनाई जाए। पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में और बैरूनी मुल्क, जहां जहां हमें देखा जा रहा है, हमारी दुआ है कि आप अपनों के साथ ईद मनाएं, क्योंकि ईद और खुशियां होती ही अपनों के साथ है। वो हमारे बहन भाई जो मुल्क से बाहर रोजगार की तलाश में गए हुए हैं, उनके लिए भी ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। हमारे वो भाई जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए भी ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। हमारे वो बहन भाई जिनकी इस्तेतात नहीं है, मेरी दुआ है उनको भी ईद की खुशियां इसी तरह पहुंचे जैसे आपको और हमें। तो इससे पहले कि आप लोग मुझे कहें कि बस बोर कर रही हो, हट जाओ, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मेहमान कौन है। जब वो कोई गाना गाते हैं तो इस बात की जमानत होती है कि वो गाना हिट हो जाएगा। यकीनन आप लोग पहुंच गए होंगे सुरों के बादशाह की तरफ, जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूं। आइए मैं दावत देती हूं अपने पहले मेहमान साहिर अली बग्गा को। यकीनन हमारे ऑडियंस जो है और मैं, हम चाहते हैं कि आपको एक दफा फिर ईद मुबारक कहते हैं। थैंक यू जी, ईद मुबारक आप सबको भी मेरी तरफ से भी। और कैसी गुजर रही है आपकी ईद? आपके साथ गुजर रही है। अरे वाह, ये बताएं कि कितनी ईदी बांट कर आए हैं? बेगम को कितनी दी, बच्चों को कितनी दी, मुलाजमीन को कितनी दी, ताकि हम भी सोच लेना हमने कितनी ईदी इनसे निकलवानी है। अभी तो एक जमाना होता था कि जब पैसों के ऊपर ईद मुबारक लिखा होता था। हाँ जी। अब एटीएम कार्ड पे ईद मुबारक लिखना मेरा ख्याल से है। तो क्या ईद पे एक एक एटीएम कार्ड बांटते हैं? अब बस कार्ड ही जाना है, कैश को लेता आजकल, आप खुद बताएं।
तो मेरा दिल कर रहा था एटीएम के ऊपर ईद मुबारक लिख दो। अच्छा तो भाभी ले लेती है फिर वो वाला कार्ड? हाँ हाँ मुबारक वाला। हाँ उनको तो कार्ड चाहिए। तो बताया ना कितनी ईदी देकर आए आप? बहुत होगी है बस, कुछ ना पूछे। ईद के बाद हिसाब करूंगा, अब अभी जो सदमा आएगा वो मैं बयान भी नहीं कर सकूंगा ना। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा। सुना है आपके नेबर्स आपके गाना सुनने की आदत से थोड़ा सा तंग है, क्योंकि ड्रम श्रम बजते है ना? हाँ वो बिल्कुल, मेरा अभी मैंने घर शिफ्ट किया है रिसेंटली, तो जो अभी जहाँ पे घर है वो अभी आदि हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। पुराने नेबर जो थे वो आदि हो चुके थे। अच्छा, बचपन वाले भी? अभी पता क्या है, जिसके साथ जो तंग होते हैं उसे तस्वीर खिंचा लेता हूँ, खुश हो जाते हैं। आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बहुत बड़ा नाम है, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, पिछले 40 साल से आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इफ्तिखार अहमद साहब की। ईद कैसी गुजर रही है? फिलहाल तो 40 साल का पहले जवाब दे दूं ना। आपने इतनी दफा 40 साल कहा, मुझे लगा कि मैं 70 साल का हूँ। अब 70 साल की ईदों का तो जवाब मैं देने से रहा। 20 साल पहले आप ईद कैसे मनाया करते थे? 20 साल पहले की ईद जो थी, 20 साल पहले की ईद में हकीकत ज्यादा थी, बनावट कम थी। क्या बात? जवानी थी, गुलों में रंग थे। जवानी तो अभी भी है, ये तुम्हें किसने कह दिया जवानी भी नहीं है। दिल जवान होना चाहिए, इट इज नॉट द एज। दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखे। वक्त हुआ है हमारी तीसरी मेहमान को बुलाने का, वो आएंगी तो यहाँ सेट पर बहारें आ जाएंगी, खास तौर पे इफ्तिखार साहब के साथ। इफ्तिखार साहब की स्माइल चेक करें। एक बेहतरीन टैलेंटेड न्यूज होस्ट हमारे साथ है, किरण नाज। हमने बैठ के इकट्ठे ट्रांसमिशन की है, इलेक्शन की है, कई रोज तक की है, तो ये जानबूझ के नहीं बिठाया। वी आर कोलीग्स एंड शी इज, ये एक अमर्जिंग पर्सनालिटी है टेलीविजन के ऊपर, और जब ये प्रोग्राम करती है तो उसमें इसका बहुत अपना जो जाती इसका नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत सही अंदाज में इस्तेमाल करती है, और इसको क्रेडिट जाता है इस बात का। बहुत शुक्रिया। हालांकि हम जब पीछे थे तो मैंने इनसे कहा था कि ईदी आप मुझे देंगे। अच्छा। तो कहते हैं मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब आप लोग मुझे ईदी दें। अरे हालांकि मैंने पैसे नहीं दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा काम कर दिया। अच्छा, आप भी फुल तैयार शैर होकर आएंगे तो आपके खावन तो बहुत खुश होते होंगे ना, जब आप ऐसे सज धज के उनके सामने जाते हैं। मेरे खावन इस चीज से बड़ा चिढ़ते हैं, क्यों कहते कभी मेरे लिए भी तैयार हो जाया करो। तो आप घर में तैयार नहीं होती? देखिए आपको पता है हमारा काम, क्योंकि टीवी पे ऑब्वियसली आपको एक मेडअप लुक के साथ आना पड़ता है, तो जब आपको इतने साल काम कर करके हो जाते हैं और फिर ईद के डेज में तो ये होता है ना कि सारे कॉलीग्स होते हैं, सबके पास जाना होता है, ये तो मेरे घर का शो है, बिल्कुल, अब इसके अलावा भी दीगर घरों में भी जाना होता है, तो वो डेली काम मेकअप कर करके मेडअप लुक बना बना के फिर घर में आपकी जो हाउस हेल्प होती है वो आपसे ज्यादा अच्छी लग रही होती है फ्रेंकली। अच्छा ये बताएं कि ना लाहौर में ईद मनाना कैसा लग रहा है? मैं बड़ी प्राउडली ये बात बताती हूँ कि मेरे घर पे ईद जो है, जो ईद का तरीकाकार है, जिस तरह से ईद सेलिब्रेट होनी चाहिए करनी चाहिए, वो मेरे घर पे होती है। अच्छा, दावतें होती हैं। हाँ। प्रॉपर दावतें होती हैं और वो बाकायदा ईदी के रेट फिक्स होते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान की वो पहली खातून है जिन्होंने इतने बड़े और खुले दिल के साथ अपने खावन को दूसरी शादी की इजाजत दे रखी। अल्लाह हू अकबर। डंडा पकड़ के बीवियां अपने खावन के फोन में देखती रहती हैं कि इनका चक्कर वक्कर चल रहा है, और आपने खुद सामने से इजाजत दी है। अच्छा, मुझे पीछे क्या मुझे लगता है कि कुछ शोज के बाद ना मुझे किसी ना किसी टीवी चैनल पर ये जरूर कहना पड़ेगा कि अब इजाजत नहीं है। अरे फिर ये टॉपिक खत्म होगा, अदरवाइज ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। आज हम सबको विटनेस मानकर आप कैमरे पे अपने खावन को बता दें
कि बच्चू अब कोई इजाजत नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, दो तरह की लॉजिक है। चले। पहली लॉजिक ये है कि मेरा कोई सहकाकी नहीं है। अच्छा। उनको अल्लाह ताला ने इजाजत दी हुई है, वो एक करें चार करें। सेकेंडली ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये कि ख्वातीन अपने शोहरों को एक्नॉलेज नहीं करती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर इतनी कामयाब बैठी हूँ, देखिए मर्द हजरात इतने खुश होते हैं ये बात सुनके, दोनों इस उम्र में इफ्तिखार से आप खुशियाँ चेक करें, आप इफ्तिखार से आप घर पे जाके दिखाएंगे। जितनी भी मेरी कॉलीग्स हैं, वो चाहे एंटरटेनमेंट साइट पे हों, चाहे मेरी अपनी न्यूज बिजनेस से लोग हों, मुझसे बड़ी ख्वातीन नाराज होती हैं इस बात पे। और मेरे मर्द हजरात कॉलीग्स हैं वो बड़ा खुश होते हैं, वाह यार कितना बड़ा दिन, ऐसी बीवी होनी चाहिए। एक रीजन मैंने आपको ये बताया, दूसरा रीजन ये है कि मेरे शोहर ने माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे हर लिहाज से बहुत खुश रखा हुआ है, तो अगर उनकी कभी किसी दूसरी औरत के साथ खुशी है तो मेरी तरफ से कर लें। नहीं, 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 गलत बात है। बाकी फिर उनकी आ जाए। जी साहिर कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं अगर मजबूरी ना हो कोई दूसरी शादी की मर्ज के लिए, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे दो बीवियाँ वो घर फैमिली नहीं बन सकती कभी। अच्छा, दो औरतें होंगी। साहिर ने ना ये कमेंट अपने घर पे जाके अपनी वाइफ को दिखाना, देखें। देखना नहीं, मेरा पता है उनको। बिलीव्स इन दैट, वो बिलीव करते हैं। जी हाँ, मैं बिलीव करता हूँ उस चीज पे, वो फैमिली नहीं हो सकती, मैं आपको बता खुली हुई वेरी की तरह। तुम यहाँ किधर घुस आए हो? Hi, how are you? I'm fine. Who are you? Me? I am Dr. D. क्या मतलब है Dr. D का? Dr. Death. डॉक्टर का काम तो जान बचाना है, और डेथ तो ले जाती है बंदे को। नहीं जी, मैं डेथ से ही बचाता हूँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। खुद से बचाते हो? ये बताओ यहाँ कहाँ निकल आए हो? आपको लगता है मैं मांगने आया हूँ? नहीं, मेरी मजबूरी है, मैं मांगने आया हूँ, मैं आपसे मदद लेने आया हूँ। आपसे थोड़ी लेने मैंने, आप तो खुद अस्सी तरह से लगता है जैसे मरीज है। मैं बेसिकली आया हूँ किरण नाथ साहिबा और इफ्तिखार साहब से मदद लेने। अंकल जी इधर देखें। ओके सर देखें। यस। काम बड़ा ही सिंपल सर, आप दोनों ने इतनी बुरी खबरें सुनानी, इतनी बुरी सुनानी कि आवाम का तड़ा निकल जाए। और तुम्हें ये बताता क्यों है कि वो दोनों तुम्हारी बात मान के ऐसा कुछ करेंगे? ओहो, मैं कह रहा हूँ उनसे तो ये है ही नहीं ना जी, वो तो बुरी खबर भी सुनाएंगी तो अच्छी लगेगी उनसे। हाँ जी, उनका नाम भी है किरण। हाँ जी मुझे पता है, बाकी मेरे इतबार पूरा है इफ्तिखार साहब ने। सारा अरेंजमेंट है तेरे पास ना? मेरे को हाँ जी, मेरे को अपना कैंची उस तरह का कुछ है। बिल्कुल बट्टी उस तरह? नहीं नहीं सही है। उस तरह का क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरा सजी, मेरा अपना स्टेथोस्कोप है मेरा अपना। अच्छा, स्टेथोस्कोप क्या है? ये क्या है जी? ये क्या है? हां इट्स अ स्टेथोस्कोप। तुम्हारी डिग्री कहां की है? ए व्हाट्सएप की। और डिग्री डिग्री होती है? नहीं, मैं व्हाट्सएप की डिग्री क्या मतलब? मैं पढ़ा हूं अमेरिका से। अच्छा। तो मैं जल्दी जल्दी आ गया यहाँ पे। हाँ। तो मैं डिग्री उधर भूल गया, तो मेरे दोस्त फिर बाद में मुझे व्हाट्सएप की। वैसे मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए। मेरे लिए? हाँ जी। क्या ऑफर है भाई? बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री? हाँ जी। क्या मतलब? आप बीमार होंगी? हाँ। तो मैं इलाज किरण नाथ साहब के साथ में करूंगा। एक और डील भी आपके लिए। वो क्या? मंथली पैकेज। क्या है मंथली पैकेज भाई? 30 मरीजों पे एक ऑपरेशन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सर myself डॉक्टर डी। बग्गा भाई मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। छोटा ही है ना? फरमाए, फिक्र ना करें, छोटा ही है। वो सर वो आपने गाना नहीं है, अपा रल के मरीज मनावना है। अच्छा। पावे टीके 5-7 लग जाओ। वाह भाई वाह, तू भूखा नहीं मरेगा, तू कुछ ना कुछ कर लेगा, तू भूखा
जिंदा नहीं मरेगा। एक और भी मेहमान बैठे हैं हमारे पास। ओ, इफ्तिखार साहब को मुझे पता ना। सर मैं आपको भी चेक करना चाहता हूँ सर। प्लीज चेक जी। ये मतलब मैं ये मेरे पास स्टेटोटो पहले ऐसे रखा था। टेलीफोन करें बिल्कुल जैसा भाई ये करें। सर मैं कहती हूँ इसको हलकार दे। मैं कहती हूँ हुई 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 ये कान में भी लगाते हैं। मैं भी सोचा है इतना बड़ा एंगल बगैर दिल तो किवें चलन दे। बस पता लग गया बीमारी का। की सर मैंने 5000 रुपए दा। क्यों? व्हाट देना? नो इन्हें कंजूसी की बीमारी। वेरी गुड वेरी गुड। बात सुन किरण बैठी है वो बुरा मान जाएंगी। चुप कर जा और निकल जा यहाँ से। ये मेरी मरीजा है। ये आपकी मरीज है? हाँ जी। वो कैसे भाई? इनका दिल बढ़ रहा है। बढ़ रहे? हाँ जी। तुम्हें कैसे पता? जो अपने खावन को दूसरी शादी की इजाजत दे दे उसका दिल छोटा तो ये हो सकता है। मुझे ना अपने हॉस्पिटल के लिए इफ्तिताह के लिए मरीज मिल गया। यार तो कोई मरीज नहीं बैठा हुआ। कोई आपको नजर नहीं आ रहा? परे हट जा, परे हट जा। इधर आओ। ओए ये क्या कर रहे हो? रात ईद अपनों के साथ में मैं हूं आयशा डांजेब और मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। साहिर इससे पहले कि हम आगे बढ़ के गाने पे चले जाएं पहले ये बताएं कि 50 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं जी, आपका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? गिटार। सर इटली में आपका लगेज गुम हुआ था वो वाकया क्या था? लगेज गुम नहीं हुआ था। हाँ जी वहाँ पे मना किया गया है कि पिक जो जेब कुतरे हैं उनसे आप अपने आप को बचा के रखें। अच्छा। इवन ईफल टावर के ऊपर लिखा हुआ है कि जेब कुतरों से होशियार रहें। मैं और मेरी बीवी आ रहे थे फुटपाथ पे चलते हुए तो एक बाबा आ गया और कहने लगा कि मुझे एक एड्रेस समझा दो। अच्छा। और वही हमारी गलती थी। अच्छा। वो मेन से थोड़ा सा पीछे हटा, दो आदमी आए उन्होंने हमारे बैग से चीजें निकाल दी। चीजें निकाल ली? निकाल ली। आप लोगों को नहीं पता? शुक्र है कि पासपोर्ट नहीं निकाला। थैंक यू। हम गए पुलिस वालों के पास, वो बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं। okay. उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारा जो था मौका सुना, गाड़ी में बिठाया, उस सारे इलाके में फिरे जहाँ पे ये वाकया हुआ था। लेकिन वहाँ पे जेब कुतरे हैं, चीज़ें छीनते हैं, उनको कभी भी रास्ता अगर वो आपसे पूछे मत बताएं। वैसे आपको सोचना चाहिए था कि वो वहाँ गए, आप जहाँ से जा किस रास्ता बता रहे। इफ्तिखार साहब कराची से होते हैं ना तो ज्यादा अवेयर होते हैं। कराची में तो गली मोहल्लों में पड़े हुए होते हैं। अच्छा किरण आपके साथ बिलवास्ता कोई ऐसा वाकया हुआ है कराची में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो ये नहीं कह सकती फिर। लेकिन मुझे पता है ना जितना जिस हिसाब से होता है वहाँ पर हर गली हर नुक्कड़ पे वहाँ पर लोग घूम रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ नहीं पता होता कि दो कदम पीछे बेचारे के पास मोबाइल था और दो कदम के पास कुछ भी नहीं है, वो अकेला ही घूम रहा है। मेरे साथ एक बड़ा बड़ा वाजे तौर पर एक वाकया हुआ कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। अच्छा। और मैं गाड़ी का दरवाजा मैंने खोला, मैं फ्लावर्स लेने के लिए उतर रही थी तो मेरा वॉलेट गिर गया। वॉलेट मेरा वहां पर गिर गया। उसके बाद मैं जब केक लेने पहुंची तो वॉलेट मेरे पास था नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने एरिया के पुलिस स्टेशन को कंप्लेन किया और जब ये पता चल गया कि कौन हूँ तो उसके बाद वो बंदा भी मिल गया, मेरा वॉलेट भी मिल गया, मेरे पैसे भी मिल गए और उस बंदे को मार मार के उस बेचारे की आधी हालत कर दी थी। अरे वो वॉलेट के ऊपर वो गाड़ी साफ करने वाला होता है वो कपड़ा डाल के लेके उठा के आराम से चला गया था। अच्छा। उसके घर का एड्रेस वो बंदा सब कुछ मिल गया। तो इट मींस के कराची वालों का जितने भी लोगों का जो कुछ जाता है पुलिस को सब पता होता है अगर पुलिस करना चाहे। आपको पता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि किरण नाथ साहिबा क्या शानदार गाती हैं। या अल्लाह। और इनकी आवाज इंतहाई मधुर और सुरीली है और हम उनसे आज उन्हें उनका गाना सुने बगैर जाने नहीं देंगे। देखिए मुझे गाने का बहुत शौक है लेकिन लोगों को सुनने का शौक होगा मेरा या नहीं होगा गाना वो बड़ा हम लोगों से पूछ लेंगे। पहले पहले सुनना पहले पहले, पहले वहां सुन ले ना मुझे पहले आपसे सुनेंगे आप। या खुदा ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रही? इंस्पिरेशन नाजिया हसन
रही मेरी इंस्पिरेशन एक हमारी बांग्लादेश की सॉरी सुना नहीं इतने खूबसूरती से एक लुकमा दिया कि काफी पुरानी लगती है लग नहीं रही मैं आपको बता देती हूँ नाज़िया हसन गालिबन मैंने उनको कभी लाइव देखा नहीं और शायद वो मेरी पैदाइश से पहले उनकी डेथ हो चुकी है मुझे अंदाजा नहीं है इस चीज़ का मुझे पता नहीं है लेकिन उनके गाना क्योंकि मुझे पाकिस्तानी गाना और मैं ना वो गजलों वगैरह को ज्यादा पसंद करती हूँ वही मुझे गानी भी आती हैं और पाकिस्तानी एक गाना नाज़िया हसन साहिबा का है जो मैं हर शो पे बैठ के सुनाती रहती हूँ उसके अलावा मुझे और कोई पाकिस्तानी गाना उस लिहाज से समझ नहीं आता क्या सुनाना पसंद करेंगे पहले उनसे माफी मांग लूं हां चल अरे नहीं नहीं सर प्लीज नहीं नहीं ऐसा ना करें चलिए जी जनाब तो फैसला करें उनको गाना गाना चाहिए या नहीं क्लैप करके बताएं जनाब आवाम ने तो फैसला कर लिया फैसला यहां से लें पहले चलिए इफ्तिखार साहब बिल्कुल इसकी आवाज बहुत अच्छी है और ये इसको शौक भी है गाने का बुरी बात तो नहीं यानी आप कह रहे हैं मैं अपना काम छोड़ दूं नहीं कहा देखें बात ये आप असल में आप साफियों का प्रॉब्लम हो गया आप अपने मतलब की बात निकालने की आदी हो गए बात यह है कि अल्लाह ने आपको एक फन दिया है उसका आपने इजहार किया है और लोगों ने पसंद किया है तो उसका मतलब है कि आपको ये काम करते रहना चाहिए बिल्कुल अब सुरों के शहंशाह से पूछते हैं मैं यस जनाब ही बेसिकली नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी है बात आपकी हम आप देखते हैं सम टाइम एक होता है गा सभी लेते हैं लेकिन वॉइस का एक कलर होता है एक अपना कलर होना बड़ा जरूरी होता है वॉइस इनकी वॉइस में वो है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा कोलैबोरेशन डुएट होने वाला है आपका और किरण का हो सकता है हो जाए मे बी ओहो क्या बात है तालियां होनी चाहिए भाई बस आज मुझे नींद नहीं आने वाली खुशी से खवातीनों हजरात और हम ईद की खुशियां मना रहे हैं बांट रहे हैं और इसी के साथ मैं किरण से सवाल करने वाली हूँ किरण हमें पता चला है खुफिया जराए से कि फवाद खान आपके बड़े पसंदीदा है जी बिल्कुल ऐसा ही है इसीलिए उन्होंने इजाजत दी होगी हस्बैंड को अच्छा उनके दिल में अभी तक वही फान है वो तकलीफ ना रह रह के आ रही है अच्छा मतलब देखिए तकलीफ की बात नहीं है मतलब वो तो अप्रिशिएट खुश होना चाहिए मैं नहीं हो रहा मैं ये बता रहा हूं मैं आप ही के बारे में कह रही हूं आपको इजाजत देने की अच्छा ये बताइए अगर आपको मौका मिल जाए फवाद खान के ऑपोजिट किसी फिल्म में कास्ट होने का उनकी प्रीवियस फिल्म्स में से किस फिल्म में कास्ट होना चाहेंगी आप मैं फिल्मी नहीं हूँ मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ चाहे नहीं मैं चाहूंगी कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूंगी इंटरव्यू से पहले आपके पेट में गुदगुदी होगी
हाँ डेफिनेटली वो बेसिकली फवाद का जो ड्रामा है ना एक हमसफर आई थिंक सो हाँ, हाँ. तो वो होता है ना नए बिल्कुल वो 15-16 साल वाली एज का वो उस वक्त का ड्रामा है. अच्छा वो तो उस वक्त भी 15-16 साल के नहीं थे. नहीं वो नहीं मैं अच्छा. अपनी बात कर रही हूँ ना तो वो उस ड्रामे के साथ बड़ा कनेक्ट किया हुआ. अच्छा अच्छा तो वो इस वजह से मुझे फवाद बहुत पसंद है. अभी सवाल करेंगे फिटनेस के बारे में सवाल करूंगी और उनसे ये पूछूंगी कि जब हमारे पास सारे ही लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं ड्रामा में भी आ रहे हैं तो आप क्यों रुक कर बैठ गए हैं. अच्छा? आपने अपने आप को क्यों सिर्फ और सिर्फ फिक्स कर लिया है कमर्शियल्स के लिए और फिक्स कर लिया कि कोई सालों में एक मूवी आएगी तो वो करेंगे. आप अपने आप में क्यों आमिर खान बनने की कोशिश कर रहे हैं. आप फवाद खान हैं. आप फवाद खान. अरे वाह 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 तालियां होनी चाहिए. यानी आप उन्हें ज्यादा देखना चाहती हैं ड्रामास में. Obviously, जब okay. सारे आ रहे हैं तो फिर वो भी आए ना. ये तो फिर आप अगर आप सिर्फ कमर्शियल से कमाना चाहते हैं तो इट्स फाइन. लेकिन आपके जो ऑडियंस हैं जो आपको देखने वाले हैं आपके फैंस हैं वो चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर आए. आजकल सारे सिंगर्स एक्टिंग में एंट्री ले रहे हैं. अभी आपने वेट भी बहुत लूज कर लिया. आपको कोई ऑफर नहीं आई एक्टिंग की. मुझे हुई है 2-3 दफा. तो सर क्यों नहीं आ रहे. मैं कर नहीं सकता. मेरे पास टाइम ही नहीं है. टाइम कहाँ जा रहा है आपका. मेरा काम इतना काम है. कॉम्पोजिशन करना कॉन्सर्ट्स करना और इसके अलावा बहुत सारे काम है मेरे. मैं ये नहीं कर सकता. बस एक्टिंग मुश्किल लगता है. वैसे अगर मैंने कभी फिल्म बनाई ना जी तो इन दोनों को मैं उसमें. अरे वाह 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 डेब्यू क्या बात है. आज मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इन दोनों से कि भाई ये तो एक खातून की आवाज़ भी है एक मर्द की आवाज़ भी है तो इनको कोई शाह लुधियानवी के जो इंकलाबी गजनी है जो मौकफ है शायरी कुछ कोई खातून से मुतल्लिक होगा तो इसको दे दूंगा मर्द कोई होगा तो इसको दे दूंगा. इट वुड बी गुड कॉम्बिनेशन. में खड़ा अच्छा वेरी नाइस. शायरी का जिक्र चल निकला है तो मैं अपने अगले मेहमान को दावत दे रही हूँ. नौजवानों के दिलों की धड़कन है. शायर है अहमद सईद साहब. तालियां. सर देर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं और ईद पे आए हैं. अरे ईद मुबारक आपको. आपको बहुत भी बहुत बहुत ईद मुबारक. मेरी तो वैसे चांद रात पे ईद हो गई थी. कोई अच्छी सी पुरानी दोस्त मिल गई. अच्छा तो क्या आपकी शायरी अभी इस उनकी तरफ ही जा रही है. मेरी शायरी पहले भी उनकी तरफ ही इसी तरह के हवा जो है हवादस से. बहुत अच्छा स्टाइल है. मैंने इनको आज पहली दफा मिला हूँ. बड़ी खुशी मुझे मिलके. इनका बहुत अच्छा स्टाइल है लिखने का. अभी अभी आप सुनेंगे उनसे. बड़ा एजाज है सार भाई ये कह रहे हैं जनाब. तो ईद के मौके पर कुछ क्या कलाम आप पेश करेंगे. उससे आंखें मिला के देख लिया. वाह. खे मोहब्बत की खा के देख लिया. खे मोहब्बत की खा के देख लिया. मुस्कुराने से ना बनी जब बात. आए हाय. उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया. मुंह चढ़ा के देख लिया. वाह. मुस्कुराने से ना बनी जब बात. उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया. देखना चाहती थी टैलेंट वो. वाह. डांस मुझसे करा के देख लिया. अपनी सूरत रही वही सूरत. आपकी भी. ये जो नौजवान बैठे हैं मेरे जैसे 20-20 साल जैसे मेरे 21 साल का सार भाई मैं. अपनी सूरत रही वही सूरत. रोज हमने नहा के देख लिया. और वो हमारी ना हो सकी अहमद. हमने बूफे खिला के देख लिया. फिर उसी से दिल लगा के देखिए. फिर उसी से दिल लगा के देखिए. बार बार उधर जा रहे हैं. सर उधर दिल लग गया है. नहीं बार बार उधर जा रहे हैं. आप अगला मिसरा भी खिला रहे हैं. और फिर भी गाल नहीं बन रही. नहीं बन रही. बहुत कम खराब हो गई. फिर उसी से दिल लगा के देखिए. अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए. फिर उसी साबित कदम है भाई. अपनी बिस्ती फिर करा के देख लिए. और आपका जो दिल कहीं लगता नहीं. वाह वाह. आप मुझसे दिल लगा के देखिए. ईद का दिन है. मौका भी है दस्तूर भी है. पिज़े वो मुझसे खा रही और किस अदा के साथ. क्या खा रही है. पिज़े. पिज़े खा रही है. कौन से टॉप क्या थी पिज़े के ऊपर. टॉपिंग क्या थी पिज़े. मलाई बोटी वाला और थोड़ा सा चैलेंज करेगा. पिज़े वो मुझसे खा रही और किस अदा के साथ. पाला है पड़ा अब के मुझे किस बला के साथ. भाई बड़ी जाती हुई है हमारे साथ. अच्छा आंखों के साथ उसकी तो बाछें भी खुल गई. आपकी भी है ना.
वाह वाह वाह, क्या बात। आंखों के साथ उसकी तो बाछे भी खुल गईं, सुंबल जब आई बाग में गुल और सबा के साथ। आंखों के साथ उसकी तो बाछे भी खुल गईं, सुंबल जब आई बाग में गुल और सबा के साथ। जब सुंबल, गुल और सबा आई तो आपकी क्या हालत थी? वही वाली जो उनकी थी। और महबूबा मुझसे हो गई नाराज इसलिए, सर भाई महबूबा मुझसे हो गई नाराज इसलिए, वो कह रही कि देख मुझे पर हया के साथ। डिमांड तो उनकी अच्छी है कि हया के साथ देखो। अच्छा, हर हसीना से इसकी यारी है, वो जो बैठे हर किसकी यारी है भाई आप? हर हसीना से इसकी यारी है, बस यही इसको एक बीमारी है। और सातवां इश्क हो गया फिर भी, आयशा जी सातवां इश्क हो गया फिर भी, सातवां इश्क हो गया फिर भी, बेकरारी सी बेकरारी है। और जाने मन अपनी अपनी होती है, एक हमारी है एक तुम्हारी है। आखिर पर तीन शेर और फिर इजाजत के, जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है सडनली, जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई। ऐसा हो जाता है कभी कभी ईद पे, जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहां पे दफा हो गई है। जो यकदम इस किस्म की जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहां पे दफा हो गई है, वो खा खा के पाए नियारी और बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। ये तो हसबे हाल है। वो खा खा के पाए नियारी और बर्गर, लेकिन आप ज्यादा उनसे हुए हुए हैं। वो खा खा के पाए नियारी और बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है, जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है। जो कॉलेज में थी एक मानो, ये जो खड़े हुए लाजमी कॉलेज में थी है ना, जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, अच्छा। वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, ईद की खुशियां हम बांट रहे हैं, मना रहे हैं। क्या जरूरी था कि पोल खोली जाती, बताइए? बहुत जरूरी था, क्यों नहीं होना चाहिए? इतनी देर क्यों लगाई? इतनी देर, बस मुरव्वत वाला इंसान हूँ मैं, प्यार करने वाला, दोस्तों वाला, दोस्ती निभाने वाला आदमी हूँ। बिल्कुल, लेकिन एक डेकेड बहुत होता है ना, एक 10 साल बहुत होते हैं। आप अपना हक भीख के तरह भी मांग लें तो फिर भी ना मिले, तो फिर बताना जरूरी होता है इस चीज़ों को। तो मैंने यही समझा, तो मेरा मौकफ कोई भी नहीं है ऐसा, मैंने जिनके बारे में कोई बात की है, मैं उनका फैन हूँ, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ एज ए आर्टिस्ट और एज ए इंसान। मैंने जो 10 साल लगे हैं समझने में, तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गाना मैंने कंपोज किया था, ये अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा गाना है, सबसे बड़ा गाना, सबसे बड़ा गाना है, ठीक है। 2 बिलियन, मुझे कितने पैसे होते हैं 2 बिलियन? मैं गरीब आदमी, काफी पैसे होते हैं, 2 अरब। हाँ, 2 बिलियन तक ये चला गया गाना, तो इसका मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया ना। अच्छा, आप सिर्फ क्रेडिट मांग रहे हैं कि भाई मुझे ड्यू क्रेडिट तो दे दो। हाँ, और अगर मुझे क्रेडिट दिया गया होता 3-10 सालों में, कम से कम बिना सिर्फ उसे गाने से मैं 10-12 करोड़ कमा लेता। मैं अभी भी कहता हूँ कि वो मुझे क्रेडिट दें और मेरा जो 10-12 करोड़ है वो दे दें, मैं जितने चैरिटी इदारे में आपके शो में कह रहा हूँ उनमें बांट दूंगा। और जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के जो म्यूजिशियन हजरात हैं, जो कि टेक्नोलॉजी का शिकार हुए हैं, उनमें बांट दूंगा। तो मेरा और कोई मौकफ नहीं है, मेरा किसी को बुरा भला कहने का नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि अभी मुझे पहले लगता था कि शायद उनकी मैनेजमेंट है जो मेरे साथ ऐसे करी, फिर मैंने एक ऐसे उनका 2-4 साल पुराना इंटरव्यू है, उन्होंने गूगल पे किया था, तो उसमें मैं तो वैसे देखता नहीं हूँ चीज़ें इस तरह की, मैं अपने काम में रहता हूँ, ऐसे मेरे सामने आ गया चलते चलते, मैंने कहा, तो मैंने मुझे लगा कि शायद ये नहीं कर रहे थे। अब उस इंटरव्यू से उन्होंने मेरा नाम ही लिया
वो कह रहे हैं कि ये गाना हमारा उस मतलब इस गाने के बारे में सवाल हुआ कि इतना कामयाब हुआ आपका गाना, ये पाकिस्तान का नंबर वन गाना बन गया, इसके बारे में बताएं ये कैसे बना, कैसे हुआ। तो वो कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ था तो मैंने निकाला, तो ऐसे मेरे मैनेजर को पसंद आ गया तो हमने कर दिया। मतलब जो क्रिएटर है जिसने सुनाया था कि भाई ये गाना है, ये गाना करें, तो ये कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आप। तो कंपोजिशन आपकी थी, लिखा आपने था? मेरी कंपोजिशन थी, खलील रहमान साहब के लिरिक्स है और गाया भाई साहब ने था। ओके। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं देखे, मेरे लिए बड़ा जरूरी है ये, मेरी मैं अपनी जॉब समझता हूँ सर, आप चीज को समझते होंगे कि मेरे जो जूनियर्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो, वो हम क्रिएट करना रुक जाएंगे बेचारे सारे। मतलब मुझे नहीं जरूरत है, मुझे नहीं पैसे चाहिए इनके। मैं कहता हूँ जो नुकसान हुआ वो दे दे, मैं आपके शो में कह रहा हूँ मैं लाइव आके बांट दूंगा जितने पैसे उसके मेरे बनते हैं, खुदा की कसम मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। हाँ सही कह रही हैं, अब ये पुरानी होगी ये बात, ये अभी मैंने ताज़ा कट्टा खोला है, उसका कुछ जो उसका कुछ जरूर होना चाहिए। मुझे बात इस बात का दुख है कि आप जब किसी की क्रेडिबिलिटी को आप छुपा देते हैं, तो ये पैसा सब कुछ नहीं है इस चीज के लिए। तो ये अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान का पहला गाना है जो 2 बिलियन में गया था, दूसरे गाने भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, और लोग भी काम कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा मैं दोबारा फिर ऐसा कोई सॉन्ग बनाऊं कि मैं दोबारा बिलियन में लेके जाऊं। अगर जो पहला गाना आया तो मैं तो उसका क्रेडिट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है। तो चले फिर आ जाए, नहीं छोड़ेंगे तो हम सुनाए फिर आप हमें। मैं सुनाता हूं धड़ल्ले से, ऐसी की तैसी। मैं सुनाता हूं, बिल्कुल सुनाता हूं।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किरण, आपको पेट्स का बहुत शौक है, यस, है ना? तो आपका कौन सा पेट फेवरेट है? पहला सवाल। सवाल का पार्ट भी ये है कि सबसे खतरनाक पेट जो आप पालना चाहती हो और नहीं पाल सकती, वो बताना है। और उसके अलावा दुनिया के कौन कौन से जानवर आपने बिलवास्ता देखे हुए? तीन सवाल। अच्छा, तीन सवाल इकट्ठे करके बताने। मुझे बिल्लियों का बहुत ज्यादा शौक है। एक वक्त था कि मेरी शादी से पहले मैंने अपने घर का ऊपर का पूरा पोर्शन जो है वो बिल्लियों के लिए रखा हुआ था। और कितनी बिल्लियां थी? तकरीबन 35-40 बिल्लियां वहां पर थी। 35-40 बिल्लियां, और वो उसमें से एक जो है वो मेरी दो क्रिकेट टीम, मेरी बहुत ही ज्यादा जो है, कुछ साहिर कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, कही। तीन बिल्लियों की क्रिकेट टीम थी इनके पास। नहीं, वो यकीनन ऊपर क्रिकेट खेलती होंगी। एक जो थी वो मेरे लिए सब कुछ थी, रजल। अच्छा। उसके साथ मेरा एक बहुत शदीद वाला कनेक्शन था। जब मैं घर आती थी फिर उसकी डेथ हो गई, तो वो मेरे लिए बड़ा, वो मेरे लिए, मैं उसकी बात भी करती हूँ तो मैं सैड हो जाती हूँ, क्योंकि ईद वाले दिन आप उसे याद कर रही हैं। वो उसको मेरी खुशबू आती थी लिटरली। अच्छा। मैंने, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि बिल्लियां जो होती हैं वो वफादार नहीं होती, इतनी एक्सप्रेसिव नहीं होती। हाँ, एक्सप्रेसिव भी नहीं होती, वफादार भी नहीं होती, लॉयल नहीं होती, लेकिन कुत्ते बहुत लॉयल होते हैं। मुझे दोनों का शौक है, लेकिन अम्मी जो है ना वो बड़ा गुस्सा करती है कि कुत्ते नहीं होने चाहिए घर में। तो अब मैंने रखे हुए, तीन कुत्ते हैं मेरे पास, लेकिन वो घर से बाहर होते हैं, घर में नहीं होते। अच्छा, बिल्ली रखी, बिल्लियां रखी हुई है। रजल, जब रजल की जब डेथ हो गई तो फिर उसके बाद मैंने सारी जो है वो बिल्लियां, एक सेकंड, इधर क्या हो रहा है भाई, इधर कुछ ना कुछ चल रहा है, कानू बहुत हंसी आ रही है। बगा साहब तुझे दसो, नहीं बगा साहब ने कोई बात की है, वो पब्लिकली नहीं बता सकते, सही नहीं कर रहे इफ्तिखार साहब आप। क्या मतलब, बिल्ली की वफात पे हंस रहे? कौन सी बिल्ली, किसकी बिल्ली? इफ्तिखार साहब, ये क्या रायता फैला दिया आपने? हम बताएं, आपको कौन से पेट्स पसंद है? मैं कोई ऐसा खास पेट मुझे नहीं पसंद, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन रखना। सियासत के इतने बड़े बड़े हाथियों को टक्कर देते हैं, उनको चूटी बना देते हैं। वो और चीज है, जिस तरह इसका है कि बिल्लियों को रखना, उनको फिर खाना भी खिलाती होगी, उनको काफ़ी भी करती होगी, ये भी ख्याल रखती होगी, गर्मी सर्दी बारिश सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप ऐसे तो नहीं पाल लेते चीज़ों को, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो मैं इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ नहीं जितनी रिस्पॉन्सिबल ये है। सर, ये पैट्स के साथ तो जेलिसी का अंसर भी आ जाता है साथ में। अच्छा? मेरे हस्बैंड ने ही मुझे रजल को गिफ्ट किया था, और फिर मेरी इतनी ज्यादा अटैचमेंट से जलना शुरू हो गए थे। तो कहते थे दूर करो इसको क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो ये आ जाता है रोमांस बीच में। अभी वीडियो किया मेरा, गाना तैयार है, तो उसमें मेरा जो डायरेक्टर है उन्होंने मेरा बड़ा ना सीन बनाया है कि मैं ऐसे सोफे पे बैठा हूँ, सामने एक इतना बड़ा मुंह वाला जो होता है ना डॉग, वो। अच्छा। तो मैंने पकड़ के बैठा हुआ गा रहा हूँ। अच्छा। कसम से मुझे गाना ही भूल गया। अच्छा। तो गाने के अंदर मुझे नहीं लगता इसका कोई ऐसा रोमांस है। अच्छा, ठीक, मुझे तो भूल गया था। अच्छा, चले। तो मैंने कहा भाई जा, तो इसको नशे का टीका लगाओ, सो जाए इसमें, मैं नहीं पकड़ सकता। उस बेचारे ने गुस्सा नहीं किया कि आप उसको देख के गाना क्यों नहीं गा रहे? नहीं, वो तो गुस्सा, इसलिए तो मैं कह रहा था टीका लगाओ, गुस्सा कर ना जाए कहीं। इफ्तिखार साहब, अभी देखते हैं कि आप कितने मतलब पेट्स के साथ कितने दबंग और डेयरिंग है, और कैसे आप जो है, हमने एक जानवर बुलाया है अपने स्टूडियो में। ये सांप वाप टाइप की कोई चीज ना हो, मुझे वो उनसे जरा थोड़ी परेशानी, उसी को बुलाया। ये क्या बात, नहीं नहीं, उसी मुझे को बुलाया, परेशानी होती है, उसी को बुलाया। परेशानी, अब क्या करें? मुझे परेशानी, कौन आ रहा है भाई, चेक करते चले जी, मैं स्टूडियो से भाग जाऊंगी, देख लें। ऐसी तानू नसन देने, नहीं, नो 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 नो, प्लीज प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, अब बताओ भाई, आपसे दूर ही रखना। हाँ। गया। ये हमारा, देखें, ये भी तो बेचारा जानवर है, इससे भी तो मोहब्बत की जा सकती है ना। हाँ, कुछ नहीं कहेगा, टेम्ड है भाई, बस ठीक है, चले, है ही नहीं। अच्छा, देखते हैं इफ्तिखार साहब, आप अभी बड़ी दबंग एंट्री की बात कर रहे थे। नहीं, मैं कोई दबंग एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हो गया, टेंशन क्यों? मैं जाके हाथ लगा दूं? मैं, ये देखिए, मैं आपके सामने जा रही हूँ, मैं हाथ लगा रही हूँ। बहन होले क्या हुआ, क्या हुआ, ला ला। और क्या? कुछ है ऑडियंस में से कोई आना चाहेगा? आ जाए। नहीं जी, अरे वाह, तालियां भाई। मेरे पापा कहते हैं कि ना बेटा, बस अगर ये आ गए ना तो फिर आप नहीं घर पे रहोगी, क्योंकि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, डक्स हैं,
बस स्नेक आ गया तो उसके बाद ये तुम्हारा बोरिया बिस्तर और वो बार। अच्छा आपको इनसे डर वर नहीं लगता? नहीं, आई लव पेट्स। ओके आई रियली लव। ओके उधर भी आई लव पेट्स है लेकिन वो ऐसे बैठी हुई है किरण इस वक्त, ब्लड प्रेशर लो है। अच्छा अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सांपों के बारे में बताएं कि इतने क्या खतरनाक होते हैं कि इनसे इतना डरना चाहिए। वैसे ये कहते हैं कि I'm so sorry, आपकी बात कट रही है, लेकिन अपने डर को निकालने के लिए ना बेहतरीन मौका है। आज है, आज सारी डर की दीवारें गिरा दें। किरण 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 इसको पीछे कर दें, इसको बंद कर दें, इसको मैंने साइड पे कर दिया इसीलिए। आ जाएं आप, आ जाएं, कुछ नहीं कहेगा। ओ देखो वो बेचारा अंदर चला गया। उस आखिया भाई इतनी बड़ी एंकर आ रही है, हाथ लगाने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने तालियां बजा दी, उधर शक्ल देखिए ना, अगर कोई ऑडियंस में दिखाए वो बच्चा पीछे जो बैठा हुआ है। चलें। अरे वाह, ये इन सांपों में जहर नहीं है इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने पहले हाथ लगाया है कि अगर कुछ होगा तो मुझे होगा, और ये कोई स्टंट नहीं है, इसलिए घर पे आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करना। ये एनिमल ट्रेनर है, ये कर सकते हैं, आप लोग इसे घर पे ट्राई नहीं कर सकते। किरण क्या फील कर रही हैं आप? मुझे इसकी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट है ना। एक दफा दोबारा आपके कपड़ों के साथ मैच है, गले में पहना दे। नहीं नहीं नहीं, बस इतना निकाल लिया काफी है, बहुत बड़ी बात है। लेट्स गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सांप के बारे में बड़ों ने जो दहशत बना दी हुई है, और इसके मारने की वजह से भी जो अमवात होती है वो भी दहशत का बायस अच्छा, है। ये कौन सा सांप है? ये अक्सर हमारी फसलों में पाया जाता है, रेट स्नेक है, नॉन वेनमस होता है नेचुरली, इसमें जहर नहीं होता। इसमें जहर होता ही नहीं, होता ही नहीं है। तो इसकी बाइट से कोई जख्म वगैरह बन सकता है? जख्म होता है जैसे कोई कट लग जाए ब्लेड से या किसी भी तेज किसी भी जानवर के काटने से, जहरीला नहीं है जी। और वो आपका, सॉरी मैं पूछ सकता हूँ, ये आपको शौक है या बिजनेस है आपका? सर मेरा ये शौक है बचपन से ही, सांप 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 रेस्क्यू करना। अच्छा। और सांपों को हाथ लाने। अच्छा अच्छा सर हाथ लगाएंगे? मैंने नहीं, प्लीज। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में से रेस्क्यू करके उनको बॉर्डर एरिया पे और जंगलों में छोड़ना। इस सांप के बारे में बताएं जो अब इस वक्त अंदर जा चुका है जी, उंगली मारी हुई थी इसने, वो इंतहाई जी, ये इंतहाई बहुत खतरनाक है। किसने बोला है? हड़हराम सांप लग रहा है। चलें जी, इसको भी डिफेंग किया हुआ है, इसमें भी जहर नहीं है इस टाइम। जहर नहीं है, टेंशन मत लें। वैसे होता है जहर इसमें? इसमें तो 100% कोबरा है, कोबरा है। कहां गया इसका? फोर में एक ब्रीड ये भी है। इसका जहर गया कहां? इसका जहर जाया कर दिया गया। अच्छा अच्छा, वैसे मेडिकेशन में भी इस्तेमाल होता है इनका जहर, कॉस्मेटिक में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, और बहुत से फॉरेनर जो है वो जो झुर्रियां खत्म करने के लिए पीलिंग होती है उनमें ही यूज करते हैं। ओके तो मुख्तलिफ चीजों में, मेडिसिन में, अद्वियात में, और इनके अपने एंटीवेनम में ही यूज होते हैं। देख लें आपके सामने उसने काटा और उस मतलब ही इज सॉरी उसने काटा नहीं है, उसे अटैक करने की कोशिश की। अच्छा ये बताएं ये कौन से इलाकों में पाया जाता है? ये आपका जितना बॉर्डर एरिया है उनसे ज्यादातर ये बसीरपुर, वो मेलसी, उकाड़ा, दीपालपुर, सिंध में बड़ा है। okay, मतलब okay. ये बॉर्डर एरियो पे कॉर्नर्स पे पाकिस्तान के सारे ब्लैक कोबरा वाफर मिकदार में पाया जाता है। थैंक यू सो मच, और अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर किरण जो इंतहाई डरी हुई है अभी भी और अपने डर को कवर किया है। एंड थैंक यू सर आपका हमें इतनी इंफॉर्मेशन देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए डर जो है, डर बहुत छोटी सी चीज है। थैंक यू जी, थैंक यू। ईद की खुशियां हम बांट रहे हैं, मना रहे हैं। साहिर अब सांप से मिलने के बाद कोई? सर मैं तो अनएक्सपेक्टेड हो गया, मैंने सांप देख लिया। मकसद ही था अनएक्सपेक्टेड। अब आप गाना कौन सा सुनाएंगे ये बता? आप कौन सा सुनना चाहेंगे? आपको सुना? अब मैं चाहता हूँ आप हल्ला गुल्ला हो जाए। हल्ला गुल्ला वाला गाना।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, ईद की खुशियां हम बांट रहे हैं, मना रहे हैं, खुशियों में शामिल ही करने की बात है, तो क्यों ना ऑडियंस को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। व्हाई नॉट। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? साहिर अली बगा साहब से मेरा सवाल है कि आप माशाल्लाह इतने फेमस हैं, तो आपने कभी अपने फेमस होने का फायदा उठाया? वाह 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 जी, फेमस होने का कभी फायदा उठाया आपने? फायदा मतलब किसी का कोई काम करवाना हो मैं करवा देता हूँ, अगर मुझे कोई इज्जत दे दे कि यार इसका कोई काम कर दो तो वो कर देता, तो मैं मुझे तब मुझे लगता है कि मैं फेमस होने का कोई फायदा है। अगला सवाल किनके पास है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन आपसे मैम किरण, कि आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से स्टार्ट किया था, उसके बाद आप पॉलिटिकल शोज में आ गई हैं जी, ठीक है, तो आपने स्पोर्ट्स क्यों छोड़ी है? अच्छा देखिए, स्पोर्ट्स में मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा प्यार है स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और मेरा मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, हादसाती तौर पर नहीं आप कह सकते, लेकिन मेरा पैशन है जो मैं काम इस वक्त कर रही हूँ। लगे हाथों किरण ये भी बता दें कि फेवरेट स्पोर्ट्समैन और फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है? अच्छा जी, क्रिकेट बहुत ज्यादा। okay. और फेवरेट क्रिकेटर? मुझे लाला से बड़ा प्यार है। अच्छा। लाला से बड़ा प्यार है मुझे, उनके लिए अगर कोई कंट्रोवर्सी भी होती है ना तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कूद जाऊं ट्विटर के ऊपर और मैं लाला को कहूं आप हो जाएं साइड पे, मैं जरा देखती हूं। बाबर आजम, रिजवान, इसके अलावा शाहीन, नसीम शाह, तो पूरी की पूरी लाइन बता सकती हूँ मैं आपकी। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक? मैं ठीक हूँ। अच्छा, अच्छा, ये सवाल भी मुझसे ही है? नहीं, मेरा सवाल साहिर अली बगा सर से है। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का। मैं आपकी सबसे पहले बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है, और सेकंड ये कि मेरा भी म्यूजिक से रिलेटेड, हाँ, मेरा भी इसी फील्ड से ही ताल्लुक है। जब आप आए थे तो मेरे दिल में गाने सब खत्म हो गए, सिर्फ एक ही गाना याद आया। कौन सा? अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना दे दिल खोल के। Very good, very good. Wow, wow! क्या बात है जी? It takes serious lot of guts to sing your passion, and you've sung really nice. आपकी अगर कोई training है, तो जारी रखिए उसे। अच्छा गाया। हाँ, माशाल्लाह, very good voice. इसके अलावा सर मेरा आपसे एक question ये था कि बल्कि करने वाली हूँ आपसे कि अगर आपको कोई tone या lyrics आपने कभी सुना हो किसी भी गाने में कि आपको लगे कि ये मेरा ही गाना copy किया हुआ है, तो कभी ऐसा लगे? अरे आजकल तो हो ही मेरे को भी है। बात कर दी आपने, जालिम लड़की। बड़ेगा मुझे, अच्छा मुझे लड़की ने जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे खुशी होती है कि जो मैंने कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की थी एक दौर में कि मैं कुछ जॉनर्स जो हैं उनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करूँ, बहुत जो मैंने सोचता था कैसा करें, लेकिन आज आज जो उसको कॉपी करते हैं या उस जॉनर्स के अंदर रह के काम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि ये मैंने स्टार्ट किया था। आपके गानों की तो यार रहमान साहब ने भी बॉर्डर पार से तारीफें की हुई हैं। हाँ जी, शुक्रिया। बड़े बड़े कंपोजर्स तारीफें करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कोई कॉपी करे, मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा, कौन सा गाना कॉपी होने पे आपको दुख हुआ कि यार ये इन्होंने अच्छा नहीं किया? मुझे मैं तेनू समझावा कि जो किया था इंडिया ने कॉपी, उसका मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हमारी लाहौर वाली जो पंजाबी है उसके अंदर उसका एक असर है। उसमें जो है ना तुर पैन मेरिया सावा ते पता नहीं तुर पैन ते कुर पैन पता नहीं पंजाबी डाल दी थी उन्होंने, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। अगर वो उन्होंने कॉपी करना था तो हमारे लिरिक्स भी पूरी करते। अच्छा जी, अब हम सिंगर की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग नुसरत साहब का।
साहिर, अब ऐसा समा बन गया है, शो के इख्तिताम का टाइम आ गया और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कोई गाना सुना के हमारा शो जो है खत्म कर दें और दिल बाग बाग कर दें। किस तरह है गाना? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात जरूर करना चाहूंगा। अभी हमारी मेरी मैं कभी कंट्रोवर्सी में मैं हिस्सा कभी लेना चाहता नहीं हूँ, ना मैंने कभी लिया है। आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन मैं मेरी क्योंकि अभी बोल कलाम नहीं है जिनके साथ बहुत प्यार था कभी, मैं उनको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि नुसरत फतेह अली साहब को मैं आज भी उस्ताद मानता हूँ और वो हमेशा उस्ताद रहेंगे। अब हम वश मल्ले सुन के सब झूमेंगे, चले और शो का इख्तिताम करेंगे। डन हो गया, डन हो गया। मदीनो हजरात, आप सबको ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों, और इस गाने के साथ हम अपने शो का इख्तिताम कर रहे हैं और ऐसा ईदी भी देंगे। हाँ।